नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय समिति द्वारा TGT, PGT और अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है और जल्द ही जिसका एग्ज़ाम भी होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो KBS TGT की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो कई पोस्टों में निकला है लेकिन बात मैं केवल TGT की करूँगा। तो देखिए, इसमें जो TGT की भर्ती निकली हुई है KBS की, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में सवाल ज़रूर होगा कि इसमें उन्हें क्या पढ़ा जाए जिससे कि वे ये परीक्षा पास कर सकें और यहाँ पर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी जारी रखनी है और पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल करना है ताकि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भर्ती निकली हुई है KBS में, तो उसमें जो हिंदी TGT का है, अभी देखिए बाकी आप सारे जितने भी अन्य विषयों के सिलेबस हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करूँगा मैं केवल हिंदी TGT की, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो हैं वो इसी पर आधारित हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर नए अभ्यर्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो से संबंधित जो भी विचार हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं KBS हिंदी TGT हिंदी का सिलेबस। तो देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT का। तो सबसे जो इसका पार्ट वन है, देखिए प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये 20 मार्क्स का होगा आपका। इसमें आपके जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, इसके 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। और यहाँ पर अगर हम बात करें जर्नल इंग्लिश की, तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज, और वहीं हिंदी की बात करें तो पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रस्तुति। तो ये 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके अलावा पार्ट टू की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, इसके भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। पार्ट थ्री इसका देखिए, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो जैसे कि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो उसमें आपकी लीडरशिप और जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रोफिशिएंसी है वो देखी जाएगी। 40 नंबर का यहाँ पर इसमें प्रश्न आएंगे। और इसमें अलग अलग देख सकते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके। इसके अलावा देखिए इसका सी जो पार्ट है, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 6 क्वेश्चन आएंगे इसके, 6 क्वेश्चन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 6 क्वेश्चन आएंगे। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए सभी ये जो क्वेश्चन हैं, इसके लिए आप पेडागोजी अच्छे तरह से पढ़ेंगे पूरी, और जो इसके पुराने पेपर होते हैं वो भी आप हल करेंगे, और जैसे CTET के भी पेपर होते हैं कई क्वेश्चन वहाँ से भी फंस जाते हैं तो वो भी आप देख लेंगे, और जितना भी सिलेबस है उसे आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा देखिए जो पार्ट फोर है, जो मेन सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ये 100 मार्क्स के आपका आएगा, जिसका भी आपको बताया जाएगा, अलग से इसका दिया हुआ है। और यही बात करें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, तो देखिए 60 नंबर का। इसके अलावा जो होगा आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की, और इंटरव्यू भी आपका 30 मार्क्स का, टोटल क्या होगा 60 नंबर का ये होगा। और यहाँ पर देख लीजिए द वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू जो आपका होने वाला है, तो इसका कितना रेशियो लिया जाएगा, 70:30 जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी। अब बात करते हैं TGT हिंदी का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका, जो 100 नंबर का आना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं TGT हिंदी का जो है विशेष पाठ्यक्रम में NCERT
सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त कक्षा 6 से 10वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है यहाँ पर, इसमें देखिए कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में जो शामिल पुस्तकें हैं, अभी आपको उसके चैप्टर भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर बात करें खंड क की, तो हिंदी भाषा व्याकरण, वर्ण व्यवस्था जो आपके होते हैं स्वर व्यंजन जैसे, वर्तनी और वर्तनी व्यवस्था ये आपके पूछे जाएंगे, संधि, संधियाँ तो आप विशेष तौर पर उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा शब्दों शब्द भंडार जिसमें कई आते हैं आपके, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज आदि जो शब्द होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे। इसके अलावा देखिए ये आपके हैं, इसके अलावा मूल शब्द, रूढ़ शब्द, अर्थ के आधार पर जो अलग अलग शब्दों के वो होते हैं, अलग अलग वर्ग, तो ये सभी आएंगे यहाँ पर। पद व्यवस्था में शब्द और पद पूछे जाएंगे। पद परिचय, जैसा कि आपको पता होगा कि ये 10th क्लास में भी है पद परिचय, ये भी आप देख लेंगे। वाक्य व्यवस्था, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार। तो ये आप हिंदी व्याकरण के लिए इस चैनल पे भी आपको काफ़ी अच्छा इसके टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर बात करें खंड ख की, अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, तो इसमें पाठबोधन, अपठित पद्य एवं गद्य, लिखित रचना, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी सीबीएसई जो पाठ्यक्रम है उसके जितने भी हैं आप देख सकते हैं, कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो कि सिलेबस में बताया गया है यहाँ पर। जैसे देखिए बसंत भाग एक पुस्तक के सारे पाठ यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। तो आपको देखिए छोटे छोटे ही चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो कुछ दिन लगेंगे आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक भी दी गई है, बाल राम कथा पाठ्य पुस्तक दी गई, बसंत भाग 2 और महाभारत कथा, बसंत भाग 3, भारत की खोज जो एक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो किताब है वो भी दी गई है इसमें। इसके अलावा देखिए क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 में चलती है, और क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10 में चलती है, दोनों किताबें हैं। और देखिए जो कक्षा 9 की हैं, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, इसके सारे जितने भी आपके ये चैप्टर हैं, जितने भी इसके नोट्स हैं लेखकों के, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2 ये भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर। और आने वाले टाइम में भी इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ पुराने पड़े हुए हैं, कुछ और भी अपलोड हो जाएंगे। तो मित्रों ये था TGT हिंदी, जो KBS की TGT हिंदी रिक्रूटमेंट है उसका डिटेल सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बार ज़रूर इस परीक्षा में परचम लहराएंगे, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका सपना है टीचर बनने का वो जरूर टीचर बनेंगे। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।